Welcome SVPites to presentation on chapter number 4, which is Unity's Strength, and this is part 5 of our presentation. So bachcho, I hope you are enjoying the story, and abhi tak humne padha hai ki doves jo hai wo banyan tree ke under land karti hain, and they began to eat, but their feet are trapped in the net and they cannot fly. और उनमें से क्या है, अब वो देखते हैं hunter को अपनी तरफ आते हुए. They saw hunter walking towards them. अब उनको लगता है कि hunter will catch us all, hunter हम सबको पकड़ लेगा. But king dove, जो king dove था, had an idea, उसके पास एक idea था. अगर आपको भी कोई आइडिया आता है तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव एन आइडिया. आप क्या बोलेंगे, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. ठीक है, सो किंग का क्या आइडिया था, किंग डव का, एज आई काउंट थ्री फ्लैप योर विंग्स टुगेदर एंड फ्लाई हार्ड. सो व्हाट किंग डव से, एट काउंट ऑफ थ्री फ्लैप योर विंग्स टुगेदर एज हार्ड एज यू कैन, और उससे क्या होगा, they can fly together, net को लेके वो एक साथ में fly कर सकते हैं. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. राइट, एस ओ सो डब्ल्यू एच ई एन when द किंग डव सी ओ यू एन टी ई डी counted. सो तो क्या हुआ, when द किंग डव counted थ्री, किंग डव ने जब थ्री तक काउंट किया, टी एच ई वाई दे ए डबल एल ऑल दे ऑल एफ एल ए डबल पी ई डी. अच्छा, एक तो होता है एफ एल ए पी फ्लैप, और एक होता है एफ एल ए डबल पी ई डी. क्या डिफरेंस है बच्चों, फ्लैप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फड़फड़ाना, एंड फ्लैप्ड है सेकंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म क्या है, फ्लैप्ड, फड़फड़ाया. सो तो क्या हुआ, व्हेन द किंग डव काउंटेड थ्री, जब किंग डव ने तीन तक काउंट किया, दे ऑल कौन है यहां पे, द फ्लॉक ऑफ डव्स, दे ऑल फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर, उन्होंने अपने विंग्स, देयर विंग्स मतलब उनके विंग्स, उन्होंने क्या किए, फ्लैप किए टुगेदर एक साथ. ओके, अब उससे क्या हुआ, एस डबल ओ एन सून, एस डबल ओ एन मतलब सून, जल्दी ही, टी एच ई द एन ई टी नेट बी ई जी ए एन बिगेन, बिगेन मतलब शुरू हुआ. तो जल्दी ही क्या हुआ, द नेट बिगेन टू राइज, राइज मतलब ऊपर उठना. जब उन्होंने पूरा जोर लगा के they flapped their wings together as hard as they could, the net began to rise, जो net है वो ऊपर उठना चालू हुआ. I and in a short time, short क्या होता है, short, time, time, in a short time मतलब थोड़े ही time में, they were F L Y I N G flying off, flying off, fly off मतलब उड़ना. ओके, फ्लाई ऑफ मतलब उड़ना. दे यहां पे किसके लिए आया है, फ्लॉक ऑफ डव्स. सो सून द नेट बिगेन टू राइज इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम में दे वर फ्लाइंग ऑफ, वो उड़ रहे थे. ओके, और कैसे उड़ रहे थे, नेट कहां रह गया, अब नेट के साथ ही उड़ गए वो. ठीक है, सो सी ए डबल आर वाई आई एन जी कैरिंग, सी ए डबल आर वाई, सी ए डबल वाई होता है, सी ए डबल आर वाई होता है कैरी, कैरी मतलब ले जाना. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल आते हो, स्कूल बैग लेके आते हो, तो आप क्या करते हो, अपना स्कूल बैग कैरी करते हो, अपने साथ लेके जाते हो. राइट, कैरी करते हो ना. तो सिमिलरली In a short time, they were flying off. C A double R Y carrying
द नेट विद देम, वो नेट को अपने साथ लेके उड़ रहे थे. नाउ टी एच ई वाई द एच यू एन टी ई आर हंटर एल डबल ओ के ई डी लुक्ड. एल डबल ओ के लुक होता है, लुक मतलब देखना. एंड एल डबल ओ के ई डी, एल डबल ओ के ई डी मतलब लुक्ड, लुक मतलब देखा. ओके, ये सेकेंड फॉर्म है. लुक है फर्स्ट फॉर्म एंड लुक्ड है सेकेंड फॉर्म. सो अब क्या हुआ बच्चों, द हंटर लुक्ड अप, हंटर ने ऊपर देखा. अप मतलब यूपी मतलब ऊपर. सो हंटर लुक्ड अप इन अ ग्रेट, जी आर ई ए टी ग्रेट, ग्रेट मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा. क्या, एस यू आर पी आर आई एस ई सरप्राइज. वहां हंटर को क्या है, हंटर ने उनकी तरफ देखा, ऊपर देखा. इन अ ग्रेट सरप्राइज, बहुत अचंभे के साथ, उस तो एकदम सरप्राइज हो गया हंटर, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सारे बर्ड्स एक साथ मिलके नेट को लेके फ्लाई कर जाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंड, एच ई ही टी आर आई ई डी ट्राइड टी ओ टू एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू फॉलो, फॉलो करना मतलब पीछा करना. सो ही ट्राइड टू फॉलो टी एच ई एम देम. टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताइए, किसने किसका पीछा करने की कोशिश की. तो यहां पे ही किसके लिए आया है, डव्स ने पीछा किया है क्या हंटर का, नहीं. हंटर ने पीछा करने की कोशिश की किसकी, किसको पीछा करने की, फ्लॉक ऑफ डव्स. सो यहां पे जो ही है, ये ही आया है हंटर के लिए. तो हंटर ट्राइड टू फॉलो देम, किनको, देम मतलब उनको, किनको, द फ्लॉक ऑफ डव्स. बट बी यू टी बट टी एच ई वाई दे डब्ल्यू ई आर ई वर एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग. लेकिन क्या हुआ, दे वर फ्लाइंग हाई, एच आई जी एच हाई. अब बर्ड्स अगर ऊपर उड़ जाते हैं तो आप बर्ड्स को पीछा कर सकते हो क्या, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते, बिकॉज दे फ्लाई वेरी हाई, वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, बराबर ना. सो ही ट्राइड टू फॉलो देम, उसने उनको फॉलो करने की कोशिश की. बट लेकिन दे वर फ्लाइंग हाई ओवर द हिल्स, वो तो दे वर फ्लाइंग, दे यहां पे किसके लिए आया है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए. दे वर फ्लाइंग हाई, बट वो तो फ्लाई कर रहे थे बहुत ऊपर, कहां पे, ओ वी ई आर ओवर द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर. हिल्स मतलब पहाड़ियां, ए एन डी एंड वी आई डबल एल ए जी ई एस, ये होता है विलेजेस. क्या होता है वी आई डबल एल ए जी ई एस, क्या होता है, विलेजेस, विलेजेस मतलब गांव. तो अब बर्ड्स तो क्या कर रहे थे, डव्स जो है देवर फ्लाइंग हाई, वो तो फ्लाई हाई कर रहे थे ओवर द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर, एंड ओवर द विलेज, विलेजेस के ऊपर से, बराबर ना. तो अब क्या करेगा हंटर, हंटर उनका पीछा करता रहेगा या थक के छोड़ देगा अब उनका पीछा करना. अब क्या करेगा हंटर, उनका पीछा करना छोड़ देगा. अब उनका पीछा करना वो क्या कर देगा, गिव अप कर देगा. गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना. ओके, कोई चीज अब नहीं हो रही है, नहीं हो रही है हंटर से, नहीं हो रही है, पीछा कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है, तो क्या करेगा हंटर, छोड़ देगा, गिव अप कर देगा. ओके, सो क्या हुआ बाद में, द एच यू एन टी ई आर हंटर जी ए वी ई गेव अप. अब बच्चों गिव अप होता है एक, जी आई वी ई गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना. बट हंटर ने क्या किया, छोड़ दिया. एक तो होता है छोड़ देना और एक होता है छोड़ दिया, ये पुरानी स्टोरी है ना, ऑलरेडी सारा काम हो गया. तो हंटर ने थक के क्या किया, पीछा करना छोड़ दिया. सो गिव अप तो है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, और इसमें कौन सा टेंस है, सब काम हो गया, तो ऐसे टेंस को बोलते हैं
पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में आती है सेकेंड फॉर्म। तो गिव अप की सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों? गेव अप। ओके, सेकेंड फॉर्म क्या है? जी ए वी ई, गेव यू पी अप। क्लियर? सो व्हाट हैपेंड? द हंटर गेव अप द चेज, सी एच ए एस ई, चेज। चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। द हंटर गेव अप मतलब हुआ हंटर ने गेव अप कर दिया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपना कोई सामान छोड़ दिया? नहीं, हंटर ने गिव अप कर दिया, सी एच ए एस ई, चेस, पीछा करना। चेस का मतलब पीछा करना। ओके, नाउ द डव्स फ्लू, फ्लू मतलब उड़े। कहाँ पे? टू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में। ओके, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। N E A R B Y, nearby, nearby मतलब पास में ही। So the doves flew to a forest nearby, जो पास में जंगल था, फॉरेस्ट था, वहां पे वो फ्लू किए। Where a mouse lived, W H E R E, where, where मतलब जहां पे। अगर कोई सेंटेंस बच्चों where से चालू होता है तो उसका मतलब होता है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह एकदम फ्रेश होके नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के कहीं जा रहे हैं, तो आपके पापा सरप्राइज होके क्या पूछेंगे? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। बट यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कहाँ नहीं है, जहाँ है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच पे आया है। द डव्स फ्लू टू अ फॉरेस्ट, डव्स क्या हुआ, फ्लू किए एक फॉरेस्ट में, नियर बाय, पास में ही जो था, नियर बाय मतलब पास। वेयर अ माउस, एम ओ यू एस ई, माउस, लिव्ड, एल आई वी ई डी, अच्छा एल आई वी ई, ओके एल आई वी ई, लिव, लिव मतलब रहना। ये तो है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? लिव मतलब रहना, और लिव्ड मतलब रहा करता था या रहता था, तो L I V E D, lived, lived मतलब रहता था। ओके, सो द डव्स फ्लू टू अ फॉरेस्ट नियर बाय वेयर अ माउस lived, L I V E D, lived, lived मतलब रहता था। ही वॉज अ जी डबल ओ डी, गुड, F R I E N D, friend of the king dove। अब यहां पे ही किसके लिए आया बच्चों? हंटर के लिए आया है क्या? ये जो ही है ये किसके लिए आया है? ये आया है माउस के लिए। ही वॉज अ गुड फ्रेंड मतलब माउस जो है बहुत गुड फ्रेंड था किसका? ऑफ द किंग डव, किंग डव का। ओके, नाउ व्हाट, उसके बाद में पढ़ते हैं क्या हुआ आगे। ए एस 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 डबल ओ एन, सून, ए एस एस, तो एक साथ पढ़ेंगे तो एज सून एज द डव्स लैंडेड ऑन द ग्राउंड। अब आपको लैंड करने का मतलब पता है, उतरना, और एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही द डव्स लैंडेड ऑन द ग्राउंड, डव्स ग्राउंड पे लैंड किए, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड होता है जमीन। तो एज सून एज द डव्स लैंडेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही डव्स लैंड किए कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, द किंग डव, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड एच आई एस हिज फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी। नाउ टेल मी वन थिंग, किसको कॉल किया किंग डव ने, किसको कॉल किया? हिज फ्रेंड, राइट, हिज मतलब उसके फ्रेंड को। बट किंग डव का फ्रेंड कौन था? हंटर को कॉल किया क्या? अभी हंटर फ्रेंड है क्या किंग डव का? नो, किंग डव ने कॉल किया, कॉल मतलब बुलाना, सी ए डबल एल, कॉल, कॉल मतलब बुलाना,
एंड CALLED कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाया. सो कॉल तो है फर्स्ट फॉर्म एंड कॉल्ड है सेकेंड फॉर्म. ओके सो क्या हुआ, एज सून एज द डव्स लैंडेड ऑन द ग्राउंड द किंग डव कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, बुलाया. THE MOUSE माउस वॉज हैप्पी टू सी THEM देम. अब क्या हुआ बच्चों, द माउस वॉज हैप्पी, माउस बहुत हैप्पी था. और क्यों हैप्पी था, क्योंकि वो नेट में फंसे हुए थे, इसके लिए हैप्पी था क्या, नहीं. द माउस वॉज हैप्पी टू सी देम, उनको देख के खुश हुआ, क्योंकि फ्रेंड था ना किंग डव्स और उसका फ्लॉक माउस का. सो द माउस वॉज हैप्पी टू सी देम. आप भी जब अपने किसी फ्रेंड को देखते हो तो यू आर हैप्पी, राइट. सो सिमिलरली वैसे ही माउस वॉज ऑल्सो हैप्पी. इन आई एन इन नो टाइम, मतलब बिना टाइम लगे हुए, इन नो टाइम मतलब बिना देरी के, इन नो टाइम मतलब बिना देरी के, THE MOUSE माउस NIBBLED निबल्ड, निबल्ड का मतलब होता है कुतरना, NIBBLED मतलब निबल्ड, कुतरना. सो इन नो टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत जल्दी ही द माउस निबल्ड, मतलब चूहे ने कुतर दिया, किसको कुतर दिया, नेट को, द नेट. ओके एंड CUT कट, कट मतलब काट दिया, THE ENTIRE एंटायर, ENNTIRE टायर, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, नेट NET नेट, किससे काट दिया उसने पूरे के पूरा नेट को, विथ हिज TEETH टीथ, चूहे के टीथ बड़े शार्प होते हैं, तो उससे क्या किया, द माउस निबल्ड, माउस ने कुतरा एंड कट द एंटायर नेट, पूरा नेट उसने काट दिया, कट मतलब काट देना, किससे काटा, विद हिज टीथ, ANDE एंड SET सेट THEM देम फ्री. और क्या किया उसने, सेट देम फ्री, उसने फ्री कर दिया किसको, फ्लॉक ऑफ डव्स को, उसने क्या कर दिया, सेट देम फ्री, उन्हें आजाद कर दिया. अब क्या हुआ, THEY दे हैप्पीली, THANKED थैंक्ड द माउस. आपने चैप्टर 3 पढ़ा था ना, पार्डन मी थैंक यू प्लीज वाला, तो अब डव्स क्या करेंगे, माउस को थैंक यू बोलेंगे ना, यस. सो दे हैप्पीली थैंक द माउस, उन्होंने हैप्पीली मतलब खुशी खुशी थैंक यू बोला, किसको, माउस को, एंड और फ्लू अवे, FLEW फ्लू, AWAY अवे, फ्लू अवे मतलब दूर उड़ गए, TOGETHER टुगेदर. तो उन्होंने क्या किया, दे हैप्पीली थैंक द माउस, उन्होंने माउस को खुशी खुशी थैंक्स बोला, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए दूर टुगेदर, एक साथ. सो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली, एक तो ये है कि हमें मुसीबत के टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में हमें घबराना नहीं चाहिए, और हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए, वी शुड बी यूनाइटेड, बिकॉज क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एक तो ये हमें मोरल मिलता है, इसमें सीखने को मिलता है, और दूसरा है इसमें कि फ्रेंड्स हमेशा हमारे काम आते हैं. जैसे कि यहाँ पे किंग डव्स का फ्रेंड कौन था, माउस, एंड माउस हेल्प द किंग डव. सो हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनाइए और फ्रेंड्स की हेल्प भी करिए, क्योंकि आप अगर फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी भी हेल्प करेंगे. सो विद दिस वी विल स्टॉप हेयर. अब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे इसके चैप्टर के, एंड यू विल रीड द चैप्टर ऑन योर ओन. अब आप पूरा चैप्टर खुद से पढ़ेंगे. थैंक यू.